मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज शाम को हुए अचानक तेज बारिश के दौरान मुमरा के गांव देबे में पहाड़ की चोटी से पत्थर गिरने की खबर सामने आने के बाद सब अपने अपने घरों और दुकानों को खाली करके भागने लगे। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। तेज बारिश और जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। लोगों के दिलों में डर बैठ गया है कि इसी तरह से बारिश के दौरान पिछले दिनों इसी पहाड़ की चोटी से पत्थर गिरने की वजह से कविता बान पसारे नामक एक महिला की मौत हो गई थी और आज भी अचानक जब तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी तब पहाड़ की चोटी से छोटे छोटे पत्थर गिरने की खबर सामने आई और लोग अपने परिवार के साथ घरों और दुकानों को खाली करके बाहर निकल गए। सबके दिलों में खौफ बना हुआ है कि ना जाने कब और कैसे किस घर पर पहाड़ की चोटी से पत्थर गिर जाए। तेज बारिश के दौरान भी छोटे छोटे बच्चों के साथ भीगते हुए घरों के बाहर लोग खड़े हुए नजर आए। पिछले कुछ दिनों पहले ही हादसे के बाद यहाँ पर जाली लगाने की बात पहाड़ की चोटी पर की गई थी या पत्थर हटाने की भी बात कही गई थी, मगर ड्रोन से सर्वे भी किया गया था और पहाड़ की चोटी पर जो पत्थर है वो खतरनाक बताया गया था, मगर अभी तक इसका कुछ उपाय योजना नहीं किया गया है। अगर शासन प्रशासन के तरफ से इस पहाड़ की चोटी से पत्थर जो है हटाने और जाली लगाने का कुछ उपाय योजना नहीं किया गया तो एक दिन बहुत बड़ा हादसे का कारण ये बड़े बड़े पत्थर बन सकते हैं। हालांकि आज जिस तरह से तेज़ बारिश अचानक शुरू हुई और बिजली कड़कने लगी, इस पहाड़ की चोटी के पास जो रहने वाले लोग हैं उनमें खौफ बना हुआ था और लोग घरों के बाहर परिवार के साथ खड़े हुए नजर आए। मुमरा के गांव देवी में समाज सेविका रीदा रशीद भी मौजूद थी और महिलाओं में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। महिलाओं का कहना है कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त पहाड़ की चोटी से पत्थर हटाने की बात कही जा रही थी, जाली लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर काम नहीं हुआ है। क्या किसी और की जान जाने का इंतजार किया जा रहा है? मैं गए एक घंटे से यहाँ खड़ी हूँ। जब मैं आई थी तो यहाँ बारिश नहीं थी। मैं हमारी माजी कल मेरे को मिलने आई थी किसी उनका यही विषय पे, तो मैंने सोचा मैं आज जाके मिलूं उनसे, लेकिन मैं यहाँ आई तो धीरे धीरे बारिश आया। बारिश आने के साथ हम लोग सब लोग खड़े रह के यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन जैसे बारिश चालू हुआ मैंने यहाँ पर जो घबराहट देखी लोगों के दिल में, जो एक डर था, 2 मिनट में बिजली वहाँ चालू हुई और सब लोग ने गलियाँ खाली कराए। सच में सलूट करूंगी भाइयों को, सबने गली खाली करा दी सामने राइट साइड वाला और सब इस साइड आ गए या दूसरों के घर में चले गए। इतना घबराहट है एक बारिश और बिजली से, क्यों नहीं ये दगड़ निकाला जा रहा है, ये पत्थर पे काम किया जा रहा है, क्यों ये डर में लोग रहेंगे इतनी देर? मतलब मुझे लगता है अगर ये पत्थर जल्द से जल्द नहीं निकाला जाता है, ये मेरी मांग नहीं है, ये हम सभी की मांग है, ये रास्ता बंद कर देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये पत्थर निकालिए, आप इनसे भी पूछिए ये क्या चाहते हैं, इन लोग से भी पूछिए, आप हमको पत्थर की सुविधा करो। क्या हुआ जहाँ पर बारिश जब हुई उस टाइम पे यहाँ पर भगदड़ मच गया, सब लोग भाग रहे थे घर छोड़ छोटे छोटे, बिजली की गड़गड़ थी, बहुत बारिश आया था, हम डर के हमारे घर छोड़ के भागते, बच्चे लेके हमारे घर में रात दिन ऐसा हमारे घर में, सोना किधर, रहना किधर, खाना किधर, भी नहीं था तो परसों हमारे घर में हादसा होगा, एक बड़ा पत्थर आएगा 10-15 किलोमीटर किलो का कुंतन का, वो हमारे बहू के ऊपर एकदम उसको चिपक गया, उसकी दांत का ताबड़तोड़ दिए। क्या हुआ अभी जाली वाली लगाने की बात चल रही थी? जाली लगाने की बात करो या कुछ ऊपर के पत्थर हटा, जाली हटा, रुकने वाला डर है, जो डर है जो पत्थर हिले ले वो उसको हटा डालो, हटा डालो जल्दी, करना है बस्ती को हटाने की कोशिश मत करो, बस्ती कैसे हटेगी, हमारा पुनर्वसन होएगा, हमारा पुनर्वसन होएगा, सरकार ने ऐसे जगह पे कैसा पुनर्वसन कर दिया, हमारा पुनर्वसन होएगा 2000 में हमारा पुनर्वसन कर दिया, 10-10 हजार देके 10 भाई बाहर की जगह हमको दे ली, हमारी फैमिली को धोखा है, इतने पैसा नहीं कमाने का, हम लोग का जान कमाने का क्या, हम लोग को इधर रहने का, हम लोग गरीब लोग, आज हम लोग दूसरी के पास रह रहे हैं, टुकड़ा मोटा हम लोग को कोई पूछते है खाने के लिए क्या, पानी के लिए कोई पूछते है, या सबका पत्थर उठा के बाजू में फेंक दो, बस हमारा घर निकल लो, यही हम लोग है, बस हम लोग दूसरे के उधर नाचते रहे, दूसरे का खान धन करके खा रहे, हम लोग को किसका मदद नहीं है, क्या फायदे का, ये नहीं चलो हम लोग मारेंगे जब इन लोग आएंगे,
नहीं अभी अभी यहाँ पर हादसा इन लोग क्या आके क्या फूट गई है, क्या मर गए हैं मैडम? दो बात तुमने बोलो, डर है उस दिन जो बहन हमारी गुजर गई उसको जो हिसाब से यहाँ से लेके गए हैं, सबके दिल में डर हो गया है। जब भी बारिश छोटी आती है तो लोग भागते हैं, लेकिन अभी जो बारिश हुई इतनी बिजली हुई, मतलब हमने तो मैं खुद डरी क्योंकि क्या होगा, कभी कौन सा दगड़ कौन सा पत्थर नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इसको करना चाहिए। आज सब बस्ती घबराई है, सब बस्ती में घबराहट है, लेकिन नेताओं को कोई घबराहट नहीं है, नेता आराम से सो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अगर दगड़ नहीं निकाला जाएगा, ये पत्थर नहीं निकाला जाएगा, तो सबकी सबका कहना है कि हम लोग रास्ता ब्लॉक करेंगे और जल्द से जल्द। कभी ब्लॉक करेंगे हमको नहीं मालूम, आपने कहा है ना कि कैमरे से फोटो निकाल के गए हैं, चौकशी चालू आहे, हे चालू आहे, त्याचा रिपोर्ट येणार आहे, लवकरात लवकर तुमचा रिपोर्ट आना, जल्द से जल्द आपका रिपोर्ट आने दो और वो दगड़ को निकालो, क्योंकि हम लोग कब रास्ता बंद करेंगे ये हमको भी नहीं मालूम। इसके बाद अगर ऐसा कभी भी बिजली गिरती है और उसके अभी भी कुछ पत्थर वगैरह गिरे हैं क्या? अभी भी एक आदमी गया तो चला गया, क्या सोचेंगे आई क्या नहीं है, इनके तो बहु गुजरी है, ये सबके घर पे पत्थर गिरे हैं। हम तो देखो मेरा भी साथ टूट गया, मरते बच गए, मरते मरते बच गए, ऊपर वाला बचाया। देखो गरीब औरत मर के चली गई, अभी क्या रास्ता है, गरीब का कभी गिरेगा, कौन मरेगा जब भी गिरेगा, तो और पूरी झोपड़ी दस हजार रुपए देंगे। देख के गए, पूरा देख के बोल दिए कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, सब हो जाएगा, पैसे को क्या अंदर लगाने का, जान चले जाएगा। तो टीम करो, कभी चुन क्या आप कुछ पकड़ के बैठो ना, वे का काम मत करो। दिन हस्ता होगा, दो तारीख को उस दिन आएगा, जरा ये वहाँ जाओ, कोई मराएगा, खाए के पीने के दर्शन की व्यवस्था है के नहीं, कोई है के नहीं, है कुछ तेरे मुख तुम्हारे मुख सर के, तुम्हारे मुख सर के बात करने का, हमारे मुख सर का हमारे बात करने का, तभी तो हम लोग की गाँव देवी पीछे है, हमारे गाँव देवी आगे बढ़ती नहीं है, चोर है गाँव देवी पूरी बोलने के लिए पब्लिक डरती है, कोई मदद आई नहीं है, तत्तावाड़ी से इधर लाके फेंक दिया हम लोग को, हमारा उधर ही अच्छा था, तो ये पत्थर का कुछ कर लोगों को कहेगा कि चलो पहला साल निकले उधर उधर से इधर तक पत्थर, हम लोग कितने दिन रहेंगे दूसरे के बाद, हमारा बचपना बचपना जा रहा है इधर ही, और दत्तावाड़ी से इधर तक खाने पीने के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है।